आने तो दो शर्मा खानदान को, आज उनके होश न उड़ा दिए तो कहना, क्या कहना पता नहीं पर कहना। पांडे जी, अबे का नील गाय बने फिर पहने को पहना तो रोगा जी पहना मारे जा पड़ी। नमो, अरे नमो, हल्दी की कटोरी तैयार हुई कि नहीं? हाँ मम्मी, बस हो गई, मैं बस ला, अभी तक यहीं पड़ा है। क्या बात है मेरे रंगीले रहते तो जच रहे हो, राजकुमार लग रहे हो, सबका तुम लाल टमाटर से लाल लाल हो गई है। जो बाहर जाके देख के आते कि गाड़ी आई। कहाँ, अबे कहाँ जा रहे हैं सारे साहब, बात सुनो। लजा गया, अब बता रहे हैं शादी के लिए रेडी है हमारा दूल्हा। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये मेघना चलो बेटा आओ ना, चलो मेरी मदद करो, ये उठाओ। क्या मेघना, इतना क्या तैयार हुई है तू? हाँ भाई, हल्दी है, शादी नहीं है, और तेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यों बेचारी को चिढ़ा रही है, इतनी सुंदर तो लग रही है, किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। आपको तो हमेशा मेघना ही अच्छी लगती है। मैं तो आपको अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, मेरी दोनों बेटियां बड़ी सुंदर है, किसी की नजर ना लगे, है ना? कौन आ गया? नमस्ते भाई साहब, आप कैसे? ये रहा आपका ऑर्डर, शर्मा जी ने बनवाया था। किसके लिए जी? वो कह रहे थे कि प्रज्ञा जी के लिए। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ले जाइए इसे। क्यों जरूरत नहीं शर्मा जी, लड़के की बुआ जब लड़के को टीका करेगी तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, और बिना टीका लगाए लड़का तो शादी में जाएगा नहीं। वो हम देख लेंगे, अभी आप इसे ले जाइए। आप भाई साहब इसे अभी रहने दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। क्या कर रहे हैं आप? अब रहने भी दीजिए ना, शादी ब्याह का माहौल है, माफ कर दीजिए ना जीजी को। मैं हार चाहिए था ना दहेज में, ये लो। जाना है हमें, देर हो रही है, चलो। मुंह पर बुराई का लेप लगाए जा रहा है तो हम और भी बुरे बन गए, और हमारे बुरे कामों की शुरुआत आज से ही होगी। आज से कह रहा था जल्दी करो जल्दी करो, कोई सुन ही नहीं रहा है। अब क्या आंखें नीचे करके घूमते हैं हम? बाबूजी अब टेंशन मत लीजिए, शादी ब्याह का माहौल है तो ऊपर नीचे चलता है, है? नहीं अब समझी जी रूट के थोड़ी ना चले जाएंगे। चलो अभी चलो। अरे बाबूजी सही में चले गए का? क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे पूरा तो खाली पड़ा यहाँ पे। कोई, अरे सच है भाई, सब चले गए। अरे भाई क्या है, मुंह उठाया और निकल लिए। अरे ये अब ये कौन सा नया प्रायोजित कार्यक्रम है,
अरे प्रायोजित कार्यक्रम मतलब, अरे भाई आप लोग लेट आते हो तो लड़की वाले तो नाराज होंगे ही, इसीलिए वो गुस्सा हुए, मुंह बनाया और निकल लिए। अरे ऐसे कैसे निकल गए, बुलाओ उन्हें, जल्दी बुलाओ, कार्यक्रम शुरू करो। अरे भाई आप कह रहे हो तो ठीक है, बुला लेते हैं, लेकिन एक बात कह दे, आपको उन्हें मनाना पड़ेगा। अच्छा, मनाना पड़ेगा, हाथ पांव जोड़ना पड़ेगा। हाँ, मतलब राहुल की अम्मा बिल्कुल सही कह रही है, मनाना भी पड़ेगा, वो भी हाथ पांव जोड़कर। भैया लो मनाओ, लो करिए। अरे मनाओ। अरे हेलो मिश्रा जी, देर से आए हैं तो सब परिवार माफी मांगते हैं आपसे। विनती है आपसे कि आप जहां पर भी है जल्दी से यहाँ आइए और हल्दी का कार्यक्रम शुरू कीजिए। आइए आइए मिश्रा जी। समधन जी आ जाइए ना, हल्दी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। कहाँ गए? ये कहाँ गया? वाह मिश्रा जी वाह, आज तो आपने रंग जमा दिया, बहुत खूब। अरे जबरदस्त। हाँ भाई सच में क्या जमके डांस किया तुम लोगों ने। हाँ अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी होने वाली बहुरानी कहाँ है? माधुरी जी अब वो आपकी बहू भी है और रानी भी है, तो इतनी आसानी से नहीं आएगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अच्छा उसका उपाय है हमारे पास, उसके दिल का राजा है ना, वो उसे बुलाएगा तो वो जरूर आएगी। नहीं अबे बोलो, लजा कर रहे हो यार, बोलो। अरे नहीं मां, अरे बोल ना बेटा, बुला बुला। अरे पीयूष बुला बुला बुला, चल बेटा बुला। अरे बुलाना तो जरूर, शर्माओ मत बे, बोलो। अरे दीपिका वो रुको, दीपिका वो सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो आ जाओ ना प्लीज। तुमने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, बजी घंटी यार, टंग
वारंटी यार।